أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, today we will discuss elements of crime. Before discussion of element of crime, once again I want to define the term crime. What is crime? Crime is an unlawful act for which punishment has been provided directly or indirectly by Allah, either fixed or discretionary. A crime is the commission or omission of an act which is forbidden by Sharia and punishment is recommended for it. Now, we move on the second slide, which consists ingredients of crime. What are the ingredients of crime? The first ingredient of crime is the commission or omission of an act. Second is violation of a specific law of Sharia. And third is prescription of punishment. Ingredients of crime mein ye hai ki kisi अमल का इर्तकाब करना या फिर किसी शरिया के कानून की वायलेशन करना, उसको ब्रेक करना। फिर तीसरी जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो है उसके लिए कोई सज़ा दी गई हो। तो क्राइम के लिए ये लाजमी है कि हर वो अमल जिसको आप क्राइम समझते हैं उसके लिए लाजमी है कि उसके लिए सज़ा भी दी गई हो, उसकी वो बिहेवियर जो है वो किसी भी शरिया कानून की वायलेशन भी हो और फिर उसका इर्तकाब भी किया हो। तो लिहाजा ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो क्राइम की हैं। अब हम मजीद जो है डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से क्या मुराद है? अकॉर्डिंग टू इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, an accused is convicted when three fundamental elements of crime exist. These three elements must be proved, as their absence renders the accused innocent. These three elements are simplified in the three categories: a clear provision which prohibits an act, declining it a crime and specifies its punishment. This is known as legal element of crime. In order to treat an act as a crime, there must be an explicit provision in Sharia sources declaring that act is unlawful and prescribing punishment for that. Such provision must obligatory. Misal ke taur pe Quran ki surah number 5 आयत नंबर 38 में है कि चोर औरत या मर्द चोर के हाथ काटे जाए। यहाँ पे आप देखते हैं कि चोरों के हाथ काटे जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि चोरी करना जो है इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, क्राइम है। तो लिहाजा पहला ये है कि मना करने के साथ साथ उसको क्रिमिनल बिहेवियर डिक्लेयर करने के साथ साथ उसके लिए पनिशमेंट हो। तो लिहाजा क्राइम के लिए लाजमी है कि किसी ना किसी की कोई पनिशमेंट दी गई हो। अगर कोई ऐसा अमल जो वायलेशन ऑफ डिवाइन लॉ हो लेकिन उसके लिए रियासत को कोई इख्तियार नहीं दिया गया है पनिशमेंट के लिए, तो लिहाजा वो सिन तो हो सकता है, गुनाह तो हो सकता है लेकिन क्राइम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर हम रमजानों में हम रोजे रखते हैं, अगर हम रोजे नहीं रखते तो यहाँ पे रियासत को इख्तियार नहीं है कि हमें रोजा न रखने की वजह से हमें कोई सजा दे। नमाज फर्ज है, हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो यहाँ पे ये रियासत को इख्तियार नहीं है कि वो बेनमाजी को कोई सजा दे। तो लिहाजा पनिशमेंट जो है वो अहम एलिमेंट है। तो लिहाजा क्राइम के जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें जो सबसे ज्यादा अहम एलिमेंट ये है कि उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट
दी गई हो। फिर मजीद ये है कि एनफोर्समेंट ऑफ लॉ यानी कानून जो है वो पहले से ही बिफोर कमीशन ऑफ क्राइम वो कानून इन्फोर्स हुआ हो। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे कवानीन है जो बाद में नाफिज हो जाते हैं, एक सेक्युलर स्टेट में वो बाद में नाफिज हो जाते हैं, तो लिहाजा वो अमल जो पहले क्रिमिनल बिहेवियर नहीं था, अगर बाद में उसको क्रिमिनलाइज किया गया है तो जिस दिन से वो अमल क्रिमिनलाइज किया गया है तो लिहाजा उसका निफाज भी उसी दिन से ही होगा। उससे पहले जो कुछ किया वो क्राइम के जिम्मे में नहीं आता। तो इस वजह से इस्लामिक लॉ में भी यही है कि जो भी क्राइम है इस्लाम के अंदर उसको पहले ही लोगों को बता दिया गया है कुरान के जरिए, जो सोर्स ऑफ लॉ है सुन्ना के जरिए, सुन्नत के जरिए जो सोर्स ऑफ लॉ है, इजमा के जरिए जो सोर्स ऑफ लॉ है, और कयास के जरिए। लिहाजा हर वो अमल जो जिसको हम इस माशरे में, एक इस्लामी माशरे में हम क्राइम तस्वर करते हैं, तो लिहाजा ऐसे हर अमल को किसी न किसी सोर्स के जरिए उसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है। तो लिहाजा पनिशमेंट जो है वो बहुत ही अहम है। फिर प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, देखें ये इस्लाम के जो कवानीन है उसमें ये देखा जाएगा कि मिसाल के तौर पे हुदूद क्राइम में, मिसाल के तौर पे शराब नोशी हराम है। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जहाँ पे शराब नोशी की गई है आया वो रियासत जो है इस्लामी रियासत है या गैर इस्लामी रियासत है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे मुल्क में जो गैर इस्लामी हो, जहाँ पे हकूमत का निज़ाम जो है वो गैर इस्लामी है, अगर वहाँ पे कोई शख्स शराब नोशी करता है तो वहाँ उनके कानून के हिसाब से, मिसाल के तौर पे अमेरिका में जो है या ज्यादा वेस्टर्न ममालिक में है जो है वहाँ पे शराब जो अलाउ है, ठीक, अगर कोई मुसलमान वहाँ पे शराब पीता है तो लिहाजा ये गुनाह के जिम्मे में आ जाता है, लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से ये क्राइम नहीं है। तो लिहाजा प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट इसको भी मद्देनजर रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस्लाम के कवानीन वहां पे नाफिज़ुल अमल होंगे जहां पे इस्लामी रियासत है। अगर कोई ऐसा अमल जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुनाह भी है और क्राइम भी है तो ऐसे क्राइम की सजा सिर्फ और सिर्फ उस मुल्क में दी जाएगी जहां पे इस्लामी कानून का निफाज हो। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में अगर कोई शख्स शराब नोशी में इन्वॉल्व होगा तो उसको सजा दी जाएगी, क्यों कि हमारे यहाँ पे हुदूद लाज में जो है वो शराब पीना हराम है। हमारे हुदूद लाज में जो है इसमें इसकी बाकायदा पनिशमेंट भी दी गई है शराब पीने की। तो लिहाजा प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ये भी अहम कंडीशन है फॉर लीगल एलिमेंट ऑफ क्राइम के लिए। नाउ वी मूव ऑन फर्दर। अच्छा, यहाँ पे इस्लामिक क्रिमिनल लॉ में जो है एग्जम्पशन है, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ में कुछ लोगों के लिए एग्जम्पशन है। मिसाल के तौर पे इस्लामिक क्रिमिनल लॉ में ये है कि तीन लोगों को जो है क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन है। मिसाल के तौर पे इनसेन पर्सन अनलेस ही गेट्स इन, स्लीपिंग पर्सन अनलेस ही अवेक्स, एंड थर्ड इज चाइल्ड अनलेस ही गेट्स अडल्ट। ये तीन लोग ऐसे हैं जिनको इस्लामिक क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन है। अगर बच्चा कोई क्राइम करे तो उसको जब तक वो बालिग नहीं हो जाता तब तक उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन है। इंसान जो है
जो मेंटली अब नॉर्मल जो है, अगर ऐसा शख्स कोई क्राइम करता है तो लिहाजा उसको भी क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन है। और फिर जो सोया हुआ स्लीपिंग पर्सन, स्लीपिंग पर्सन जब तक जाग ना जाए तो उसको भी क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन है। आप यहाँ पे देखें कि तिर्मिज़ी शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें यह है कि माय उम्मा इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मिस्टेक, फॉरगेटफुलनेस एंड द एक्ट ऑफ डन अंडर टॉर्जन, यानी मेरी उम्मत जो है उसको गलती पे भी उसको एग्जेम्पशन है, भूल चुक में भी एग्जेम्पशन है, और कोई ऐसा अमल जो मजबूरी के तहत किया गया हो, यानी वो वॉलेंटरली नहीं हो पर कुछ ऐसे हालात हो जहां पे मजबूरन किया गया हो, तो ऐसी सूरत में वहां पे एग्जेम्पशन अलाउ है। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड एलिमेंट ऑफ किराइम, दैट इज द सब्सटेंशियल एलिमेंट। The substantial element of a crime refers to an act or omission of the accused. It must be proved that there is an act or omission on the part of the accused which constitute a crime. A substantial element not only covers the conduct of the accused, but such conduct must be accompanied with a particular result. For example, in a case of murder, it must be proved that the conduct of the accused caused the death of the victim. There are three stages for commission of a crime. First is intention, second is preparation, and last is attempt. Now let's discuss intention. According to Sharia, no one is accountable whatever comes into his mind. The Holy Prophet, peace be upon him, said, Allah has forgiven the people belonging to my ummah for the notion come into their minds unless they utter them or put them into practice. Huzur sallallahu alaihi wasallam ki hadith hai ke parwardigar ne meri ummat ko sirf aur sirf jo kuch unke zehen mein aata hai, kuch illegal crime karne के बारे में, जो कुछ उनके जहन में आता है क्राइम के बारे में, सिर्फ सोचना वो गुनाह नहीं है। तो परवरदिगार ने इस उम्मत को जो है, जो सिर्फ और सिर्फ सोचने पे कोई उस पर पनिशमेंट नहीं रखी है। देखें, हम जो कुछ सोचते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये सोचे कि जनाब मुझे चोरी करनी है, सिर्फ चोरी करने के बारे में सोचने पे कोई भी सजा नहीं है। फिर दूसरा एलिमेंट जो है, दूसरा जो स्टेज जो है वो है प्रिपरेशन। मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑफेंसेस एज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एंड हैव नॉट डिवाइडेड देम इनटू द मॉडर्न सेगमेंट ऑफ प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन। हाउएवर, एज in the ordinary law, the stage of preparation by acquiring accessories for committing an offense is not punishable act. Sirf aur sirf preparation mein ye hai ki agar koi shakhs chori ki niyat se koi aisi accessories le, ya kahin dakaiti dalne ki gharz se koi aisi accessories le jo uski crime mein madad de, तो सिर्फ वो एक्सेसरीज लेना जो है वो जुर्म नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी सूरत में, मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो मोबाइल स्नेच करने के लिए वो अपने पास गैर कानूनी तौर पे असला रखता है, तो लिहाजा ऐसा गैर कानूनी तौर पे असला रखना
ये जुर्म है इस तरीके से कि अगर कोई शख्स किसी को बहकाने के लिए ताकि वो किसी और से लड़ाई करे, अगर उसके लिए कोई शराब वगैरह लाए उसको पिलाने के लिए ताकि वो मदहोश होकर अपने आप से बाहर हो जाए, अगर उसने खाली ये प्रिपरेशन की है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि शराब रखना भी क्राइम है, तो लिहाजा ऐसी प्रिपरेशन, ऐसी चीजें या ऐसी एक्सेसरीज जो खुद रखना ही इलीगल हो, तो वहां पे उसकी पोजेशन जो है उसकी सजा दी जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने अभी कहा कि मोबाइल स्नेच करने के लिए अगर कोई शख्स अपने पास जो है वो इलीगल वेपन पिस्टल रखता है और वो स्नेचिंग भी नहीं करता है, लेकिन उसका ये पिस्टल रखना बगैर लाइसेंस के गैर कानूनी, ये खुद एक जुर्म है। तो लिहाजा प्रिपरेशन में अगर खाली वो प्रिपरेशन करे लेकिन वो क्राइम कमिट न करे, लेकिन उस प्रिपरेशन में अगर उसने कोई ऐसी चीजें ले रखी हैं जो रखना ही गैर कानूनी है, तो लिहाजा ऐसी सूरत में वो गैर कानूनी चीजें अपने पोजीशन में रखने की वजह से ऐसे शख्स को वो ही सजा दी जाएगी जो ऐसी इलीगल चीजें अपनी पोजीशन में रखने के लिए कानून के अंदर सजा मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स स्नेचिंग के लिए, अगर वो स्नेचिंग के बारे में सोचता है तो सोचना गुनाह नहीं है, लेकिन वो स्नेचिंग करने के लिए अगर वो पिस्टल लेता है अपने पास, गैर कानूनी असलाह रखता है, लेकिन उसने चोरी नहीं की, तो लिहाजा उसने प्रिपरेशन में जो एक्सेसरीज जो ली है, जो पिस्टल है, वो रखना ही गैर कानूनी है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में ताजरात पाकिस्तान के तहत पिस्टल रखने की जो सजा है वो उसे मिलेगी, लेकिन इस सूरत में क्योंकि उसने मोबाइल स्नेचिंग नहीं की है, तो लिहाजा उसे मोबाइल स्नेचिंग के बजाय सिर्फ और सिर्फ पिस्टल रखने की सजा मिलेगी। अब हम तीसरा जो स्टेज है कमीशन ऑफ क्राइम का, वो है अटेम्प्ट। जैसे कि मैं मिसाल दे रहा था कि एक शख्स ने मोबाइल स्नेचिंग के लिए पहले उसने इरादा किया, लेकिन खाली इरादा करना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि हदीस भी है, व्हाट एवर कम्स इनटू द माइंड ऑफ पीपल इट इज नॉट क्राइम, कि जो कुछ आपके जहन में आता है क्राइम करने के लिए सिर्फ नियत, तो लिहाजा ये जुर्म नहीं है। फिर दूसरा जो स्टेज है वो है प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन में कोई ऐसा इलीगल एक्ट ना करे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मोबाइल स्नेचिंग के लिए अगर उसने मोबाइल स्नेच नहीं किया, लेकिन उसने गैर कानूनी तौर पर जो हथियार जो रखा है वो रखना भी बजात खुद तो एक जुर्म है, तो लिहाजा ऐसी सूरत में उस शख्स को जो है मोबाइल स्नेचिंग की नहीं बल्कि उसे जो सजा दी जाएगी वो इलीगल वेपन पजेस करने की, यानी पजेशन ऑफ इलीगल वेपन की उसे सजा दी जाएगी। और तीसरा स्टेज जो है वो है अटेम्प्ट। ठीक, अब मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है, एक शख्स किसी को कत्ल करने की नियत से अपने पास पिस्टल रखता है और फिर आके वो किसी की तरफ फायर करता है। अब यहां पे इत्तफाकन जिस शख्स के ऊपर फायर किया गया वो शख्स बच गया और फायर जो है वो मिस हो गया और लोगों ने उस क्रिमिनल को जो है पकड़ लिया। अब यहाँ पे जो है इस क्रिमिनल को जो है जो सजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर की दी जाएगी कि उसने फायर किया। ऐसी सूरत में कि मिसाल के तौर पे अगर उसको वो शख्स उसकी गोली से जख्मी हुआ है तो ऐसी सूरत में उसको अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा दी जाएगी। अगर वो गोली मिस हो गई है, ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि उसने जो गैर कानूनी तौर पे एक तो असला रखा, दूसरा उसके ऊपर जान से मारने की उसको कोशिश की,
तो लिहाजा ये उसका गैर कानूनी असला रखना और उसकी कोशिश जो है, तो यहाँ पे सजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर की दी जाएगी, लेकिन मुकम्मल मर्डर की सजा यहाँ पे नहीं मिलेगी। मर्डर की सजा उस सूरत में मिलेगी कि जब जब विक्टिम जो है उसकी गोली से उसका कत्ल हो गया हो, जो उसने फायर किया है उस फायर से उसका कत्ल हो जाए, तो ऐसी सूरत में उसको मर्डर की सजा दी जाएगी। लिहाजा उसने विक्टिम की तरफ फायर किया, अगर वो विक्टिम जख्मी हुआ है और वो बच गया है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स को जो है अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल मर्डर की सजा नहीं दी जाएगी। एंड थर्ड एलिमेंट इज कल्चरल एलिमेंट और मेंटल एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू कल्चर एलिमेंट और मेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम मीन्स दैट अ पर्सन शुड हैव requisite legal capacity and should bear the consequences of the crime. Mental capacity ya cultural capacity se murad ye hai ki perpetrator jo hai usme maturity honi chahiye, usme responsibility honi chahiye, usme accountability honi chahiye. Jaise ki aapko ilm hai ki in Islamic criminal law 3 persons are exempted from criminal liability. First is a child until he gets adult. Second is insane until he gets sane. Third is sleeping person until he awakes. यहाँ पे हमने दो देखा कि दो शख्स जो है, एक insane है और एक child है। जैसे कि आप जानते हैं कि insane शख्स जो है उसको कोई समझ नहीं होती, उसको मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो लिहाजा इस्लाम में भी ये है कि अगर कोई इंसान कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर सर अंजाम दे, तो लिहाजा वो उसको जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन है। इसी तरीके से अगर बच्चा भी अगर कोई क्राइम करे तो उसको भी एग्जम्पशन है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पेनल कोड में जो है 7 साल तक के बच्चे जो है उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन है कि अंडर 7 इयर्स ऑफ एज अगर कोई बच्चा कोई क्राइम करता है तो यहाँ पे उसको लीगली तौर पर क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बच्चा जब तक बड़ा ना हो जाए, स्लीपिंग पर्सन अंटिल ही अवेक्स, या इंसेन पर्सन जब तक वो सेन ना हो जाए। तो इसी वजह से कुरान ने मजीद इसके सपोर्ट में आयत दी है, हु ओ यू हु बिलीव डू नॉट ऑफर प्रेयर विद डिफॉल्ट माइंड अंटिल यू कैन अंडरस्टैंड ऑल डेट यू से। तो यहाँ पे कुरान शरीफ ने हुक्म दिया है कि जब तक इंसान अपने होश हवास में ना हो, नमाज नहीं अदा करें। और इसी तरीके से एक दूसरी आयत है जिसमें बच्चों के बारे में ये कहा गया है कि when the children among you come to puberty, let them ask for permission to enter the house as do those senior to them in age। यहाँ पे कुरान मजीद ने ये कहा है, हुक्म दिया है कि अगर बच्चे जो हैं वो बाले हो जाएं, तो फिर उनको किसी के घर में जाने से पहले इजाजत लेनी है, क्योंकि जब वो बच्चे थे तो तब वो उनको समझ नहीं थी, वो कुछ समझ नहीं सकते थे, यानी वो इमेच्योर थे। अब क्योंकि बालग होने के बाद उनको समझ आ गई, वो मैच्योर हो गए हैं, तो लिहाजा यहाँ पे कुरान ने तमाम मुसलमानों को बाउंड कर दिया है कि जब लोग बाले हो जाए तो फिर वो बगैर इजाजत किसी के घर न जाए। अगर कोई बच्चा किसी घर में बगैर इजाजत के चला जाता है तो यहाँ पे ये ट्रेसपास नहीं होता। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पेनल कोड में जो है ट्रेसपास है, जब हम बगैर इजाजत किसी की प्रॉपर्टी में इंटर हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्रेसपास। फिर अगर हम
किसी क्राइम करने की नीयत से किसी की प्रॉपर्टी में इंटर हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक, अगर कोई बच्चा बगैर किसी की इजाजत के किसी के घर के अंदर चला जाए, वो बच्चा जो 7 साल के अंदर अंदर है अगर वो चला जाए तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। अगर एडल्ट किसी के घर में बगैर इजाजत के जाएगा तो ये एक क्राइम तस्वर किया जाएगा। तो लिहाजा